उधर जाओ छत्तीसगढ़ में तो भाषा बदल जाती है भैया अपने यहाँ अपन बिछाने की जो दरी आती उसको कहते हैं चटई छत्तीसगढ़ में चले जाओ वहां लुगई को चटई कहते हैं अब भाषाओं का अंतर मेरे एक दोस्त की बैंक में नौकरी लगी उसका वहाँ ट्रांसफर हो गया वो वहां गया तो मकान मालिक ने पहली शर्त ये रखी कि आपके पास चटई होना चाहिए मतलब हम परिवार वाले को देते हैं बीवी बच्चे वाले को उसने कहा चटई आपकी बार जाऊँगा गाँव तलिए हुआ वो वहाँ रहने लग गया वो जमीन पर सोता था तो मकान मालकिन को दया ही उसके घर में एक चटई पड़ी थी वो उसने उसको पकड़ा दी चटई ओरिजिनल दरी, दरी वाली <laughs> वो बिठा के सोने लग गया वो दो तीन महीने वहां रहा छुट्टी लगी तो गांव आया फिर दो दिन बाद गया फिर मकान मालिक खड़ा हो गया यार तुम जाके आ गए वो चटई नहीं लाए वो बोला जब मेरा ढाई महीने से काम तेरी चटई से चल रहा है तो मैं अपनी के लिए लेके आऊ ये ये स्थिति है रील वील तमाम बातें करी आजकल हालत सोशल मीडिया की तो ऐसी हो गई भैया कि आप देखो कि रात की तीन बजे विदा हुआ सोशल मीडिया के पिछले गेट से ये सबकी हालत है तीन तीन बजे तक मोबाइल रहते हैं कि रात की तीन बजे विदा हुआ सोशल मीडिया के पिछले गेट से यानी अधेड़ उम्र का चिर युवा अभी अभी निपटा है नेट पर आखेड़ से अधेड़ उम्र का युवा मतलब समझते ना जैसे आप शिवाजी तिल्लु भैया मैं चेतन भैया ये सब अधेड़ उम्र के अधेड़ उम्र का चीर युवा अभी अभी निपटान नेट पर आखिर से कभी खुद हंस रहा है कभी खुद रो रहा है ये पहला शिकारी है जो जाल डालकर खुद फंस रहा है और पंक्तियां सुनना के जाल डालकर खुद फंस रहा है कभी फोटो जूम करके देखी कभी फोटो झूम करके देखी कुछ कुछ फोटो तो कई कई बार चूम करके देखी कि कर कई फोटो चूम करके देखी तीन तीन बजे रात तक तीन तीन बजे रात तक तीन महीने तक चैटिंग के बाद उधर से मैसेज आया उधर से मैसेज आया तीन महीने भैया तीन महीने तक तीन तीन बजे रात तक चैटिंग के बाद उधर से मैसेज आया जानू आईफोन 15 फिफ्टीन दिलवाओ तो मानू क्या जानू आईफोन 15 फिफ्टीन दिलवाओ तो मानू लड़का बोला मैं अभी मोबाइल दिलवा नहीं सकता क्योंकि अभी मैं कड़का हूं उधर से जवाब आया मेरे बाप फिर फोन रख के सो जाए इधर मैं भी लड़का हूं